बोले भगवान आप कपटी नहीं महाकपटी हुए। बोले क्यों? बोले मैं तो हर कल्प में मरती हूँ, तुमने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पी रखी है जो तुम मरते नहीं हो? शंकर जी ने कहा मैंने अमर कथा पी रखी है, अमर कथा सुन रखी है, इसलिए मैं कभी मरता नहीं। तो आज पार्वती मैया हाथ जोड़कर बोली, पार्वती मैया हाथ जोड़कर बोली कि भगवान ऐसी कथा मुझको अमर नहीं होना है, मुझको अमर नहीं होना है। पर उस राघवेंद्र सरकार उन बालकृष्ण सरकार की लीलाओं का रसद स्वादन तो मुझे भी करना है, अमरत्व के लिए नहीं, उनकी कृपा के लिए, उनके दर्शन के लिए ये कथा मुझको भी सुनाई। और भगवान शंकर ने वो कथा प्रारंभ की। कैलाश पर्वत पर आए, डमरू बजाया, सबको भगा दिया, छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े सबको भगा दिया, क्योंकि कथा को सुनने का अधिकारी वही है जो प्यासा है। सबको भगा दिया, सब भग गए। एक वट वृक्ष के पेड़ पर घोंसले में एक अंडा रखा हुआ था तोते का, और सब भग गए। और माता शंकर जी, माता पार्वती और शंकर भगवान उस वट वृक्ष के पीछे कथा सुना रहे हैं। कथा सुनावे पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा को बंदे हो गए काम, अरे भाई बंदे हो गए काम, को पड़ गए सोता सोता उनके कथा सुनावे पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा बंदे हो गए काम, को पड़ गया सोता उनके रोते रे तोता, कुआं को पड़ गया सोता उनके रोते रे तोता।